एनसीईआरटी कक्षा 4 रिमझिम भाग 4 पाठ 8 कौन। कौन एक कविता है जो एक चूहे के ऊपर लिखी गई है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि चूहा कौन कौन सी हरकतें करता है और कैसे हमें परेशान करता है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। यानी आप देख रहे हैं कि चूहे क्या क्या करते हैं, बटन कुतर जाते हैं, स्याही को बिखेर देते हैं, चीज़ें चुटचट कर जाते हैं, घर भर में चीज़ों को फैला देते हैं। दोना यानी कि कटोरी, दोना खाली रखा रह गया, कटोरी बिल्कुल खाली रह गई क्योंकि उसकी मिठाई चूहा लेकर चला गया। और दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। रस्सी से किसी तस्वीर को ऊपर लटकाया गया था और चूहे ने उसकी रस्सी काट दी जिससे कि तस्वीर नीचे गिरकर टूट गई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। कुतर जाता है चप्पल, कभी हमारे जूतों को कुतर जाता है, कभी कभी हमारी जेब को कुतर जाता है और अनजाने उसमें से पैसा नीचे गिर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज धांग टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर डाला, कौन कबाड़ी है जो चूहा दुनिया भर का घर में लाता। चूहा एक कबाड़ी है जो घर को पूरी तरह से गंदा कर देता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा रह करता छिप छिप कोने। और जैसे ही हम उसे ढूंढने लगते हैं वो किसी कोने में छिप जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो ये कविता सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है चूहे के ऊपर, चूहे की हरकतों के ऊपर। तो आइए देखते हैं इसका सारांश। कवि बच्चों से पूछता है कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारा इतना ज्यादा नुकसान करता रहता है। कवि पूछता है कि किसने हमारे बटन कुतर दिए, किसने किसने पूरे घर में अनाज फैला दिया, कौन दोने में से मिठाई उठा ले गया, किसकी वजह से तस्वीर के दो टुकड़े हो गए। वह जीव इतना शरारती है कि कभी चप्पल कुतर देता है तो कभी जूता, कभी किताबों के जिल्द काट देता है तो कभी कागज कुतर देता है। वह शरारती जीव रात भर जागता रहता है और कुछ कुछ आवाज करके हमें भी सोने नहीं देता। कवि स्वयं उस जीव का नाम नहीं बताता है बल्कि बच्चों से उसका नाम पूछता है। अब हम काव्यांशों की व्याख्या देखेंगे। सबसे पहला काव्यांश है, किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। प्रसंग पहले हम लिखेंगे, जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में से संकलित कविता कौन से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री सोहन लाल द्विवेदी जी हैं और इसमें कवि चूहे की शरारतों के बारे में बताता है। अब इसकी व्याख्या हम करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि बच्चों से पूछता है कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारे बटन कुतर देता है, स्याही बिखेर देता है, छिपकर अनाज खा जाता है और पूरे घर में उसे बिखेर देता है। कौन ऐसा जीव है जो दोने में रखी मिठाइयां उठा ले जाता है, तस्वीर में बंधी रस्सी काटकर उसे गिरा देता है जिससे उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। दूसरा, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। खलीता हम थैली को कहते हैं और पोथी किताब को। प्रसंग बिल्कुल पहले की तरह लिखेंगे और व्याख्या में लिखेंगे कि शरारती जीव कभी चप्पल कुतर जाता है, कभी जूता कुतर जाता है, कभी थैली पर आक्रमण कर देता है जिससे उसमें से पैसे गिर जाते हैं। कवि फिर पूछता है कि वह कौन शरारती जीव है
जो किताबों के जिल्द काटकर उनके पन्ने बिखरा देता है। कौन छन्नी भी उठा ले जाता है जिसे रोज धो धो कर हमें सुखाता हूँ। तीसरी पंक्तियां हैं, कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने। रद्दी यानी कि बेकार की चीजें और गड़बड़ यानी कि गलत। तो प्रसंग हम बिल्कुल पहले की तरह लिखेंगे कि यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में से कौन नामक कविता से ली गई हैं। और व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि वह शरारती जीव कागज कुतरता है जिससे पूरा घर रद्दी से भर जाता है। कवि उस जीव की तुलना कबाड़ी से करता है और कहता है कि कबाड़ी की तरह यह जीव दुनिया भर का कूड़ा लाकर घर में फैला देता है। कवि फिर बच्चों से पूछता है कि कौन रात भर कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है और हमें सोने नहीं देता, खुरखुर करता इधर उधर है, खाने की चीजें ढूंढता है और फिर कोने में छिप जाता है। अगला काव्यांश है, रोज रात भर जगता रहता खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। शरारत यानी कि शैतानी या बदमाशी, धाता यानी कि दौड़ता है। तो प्रसंग हम बिल्कुल पहले की तरह लिखेंगे और व्याख्या में बताएंगे कि कवि कहता है कि वह शरारती जीव रोज रात भर जागता रहता है, खुरखुर करता है, यहाँ वहाँ दौड़ता है और बच्चों से उसका नाम पूछता है। तो नाम तो आप समझ ही गए होंगे, हम चूहे की बात कर रहे हैं। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूता रखने के स्थान पर और घर के कोने कोने में गया। किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? अनाज, कपड़ों, जूते, चप्पलों तथा किताबों का सबसे अधिक नुकसान हुआ। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब में से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती हैं। यह किताब से कोई भी लाभ उठा सकता है, यदि संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी तक पढ़ा जा सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि कई सालों तक, कई जनरेशंस तक हम इसको पढ़ सकते हैं और अच्छी बातों को अपने जीवन में ला सकते हैं। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात की गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया? इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात की गई है और यह वो जीव है जो कागज को, कपड़ों को कुतर देता है और खुरखुर करता है, इधर उधर भागता है, कोने में छिपता है, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया, काटा। अब तुम बताओ कि इनमें से किन चीजों को कुतरा जा सकता है, किन चीजों को बिखराया जा सकता है और किन चीजों को काटा जा सकता है। कुतरने वाली चीजें हैं कपड़ा, कागज, जूते चप्पल। बिखेरने वाली चीजें हैं अनाज, दूध, चीनी और काटने वाली चीजें हैं कपड़ा, रस्सी और बिजली। कातार, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा व प्लास्टिक की चीजें आदि खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते होंगे? कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं जहां इनको गलाकर फिर से नई चीजें या उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। पूछो, यह बात आप अपने माताजी या पिताजी के साथ बात करके पता लगा सकते हैं। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? बिना बताए बिल्ली, गिलहरी, मच्छर, चींटी, तिलचट्टा, छिपकली, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। खलीता यानी कि थैली, छन्ने यानी छानने के